हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच कॉइन के ऊपर। हम देखने की कोशिश करेंगे भाई रिच कॉइन जो है हमें किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें रिच कॉइन की दुनिया में देखने को मिल रही है, किस तरह उसकी जो नई नई लिस्टिंग्स देखने को मिल रही है और भी मजेदार सी अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में सारी की सारी जो बातें हैं वो रिच कॉइन को देखे करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अभी रिच कॉइन की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, अपनी न्यूज़ की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि रिच कॉइन हो या कोई भी कॉइन हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कंटेंट हो वो सबसे पहले आप तक तो पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सकें। तो मुझे तो उम्मीद होगी कि छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि भाई कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप जब भी किसी भी कॉइन में जो भी पैसा वगैरह लगाया करें वो अपनी मर्जी से लगाया करें, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का कोई भी आपके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ओके, तो आई होप आपने मैं जो कहना चाहता वो समझ चुके होंगे। तो भाई बात करेंगे रिच कॉइन की, तो भाई 460 नंबर पर रैंक कर रहा है 0.4 के बाद। 1099 इसकी करंट प्राइस है, 24 घंटों में 2.9% बढ़ चुका है। BTC के हिसाब से 4.8% और BNB के हिसाब से ये 3.4% के हमें ऑलरेडी गेन दिला चुका है। वहीं हमने देखा कि ये अपने एनुअली ऑल टाइम हाई से 92.99% डाउन है ये, और एक साल में तकरीबन 21.2% डाउन गया है, 30 दिनों में 7.2% डाउन गया है, 14 दिनों में 4.4% डाउन गया है, लेकिन फिर 7 दिनों में 2.3% का हमें ऑलरेडी गेन दिला चुका है। तो इसके साथ अगर मैं बात करूँ फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेकर, तो भाई मार्केट जो है हमें 63 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिली, जो कल भी 62 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, लास्ट वीक 60 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, और लास्ट मंथ तकरीबन 49 स्कोर के साथ न्यूट्रल पोजीशन में हमें मार्केट देखने को मिली थी। तो उसके साथ अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो ये भी पिछले 24 घंटों में 2 जो है वो 1% डाउन जा चुका है। अभी भी $27,978 की प्राइस के साथ मूव कर रहा है। वहीं पर हमने देखा कि इथेरियम $1,882 पे चल रहा है, अभी 24 घंटों में 1.6% जो है वो डाउन जा चुका है। BNB $312 की प्राइस पे चल रहा है, वो तकरीबन 0.7% डाउन जा चुका है। XRP की बात करें तो वो भी 3.6% डाउन जा चुका है, और कार्डेनो 0.38581 पे चल रहा है। तो ये तो ओवरऑल मार्केट के हालात हो गए, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हालात हो गए, रिच कॉइन के हो गए। अब अपडेट्स को लेकर मैं शेयर करूँ तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें रिच कॉइन की दुनिया में देखने को मिल रही है। तो भाई एक तो चीज़ मुझे ये देखने को मिली बिटकॉइन की तरफ से, हमने देखा कि बाइटकॉइन की तरफ से जो बिटगर्ड की जो सॉरी जो रिच कॉइन की है जो लिस्टिंग की गई है, जिसमें हमने देखा कि भाई जो तकरीबन USDT पेयर हमें देखने को मिला। उसके साथ हमने देखा कि 4600 का जो इनका है हमें एयर ड्रॉप भी देखने को मिला, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट का एयर ड्रॉप है वो भी रिच कॉइन के लिए किया गया। उसके बाद हमने देखा कि क्रिप्टो इनसाइड ने भी यही चीज़ शेयर की कि भाई रिच कॉइन जो है वो बाइकॉमी में जो है वो लिस्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली कि रिच के कोई किया हमें नई लिस्टिंग देखने को मिली। उसके बाद बैंक गेमिंग की तरफ से चेंज किया गया, सिंस ट्विटर चेंज इट्स लोगो डोज कॉइन प्राइस आर सर्जिंग। जी बिल्कुल, व्हाट द नेक्स्ट मीम प्रोजेक्ट दैट विल ग्रो आफ्टर डोज प्लीज चूज। जी बिल्कुल, यहाँ पे कौन सा ऐसा जो टॉप के जिन्होंने प्रोजेक्ट शेयर किया, आप देख सकते हैं कि इस टॉप की लिस्ट में भी हमें रिच कॉइन देखने को मिला है। तो इनका कहना है कि कौन सा ऐसा जो प्रोजेक्ट होगा जो अभी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा डोज कॉइन्स के बाद। तो आप देखते हैं कि भाई बेबी डोज कॉइन की कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है, फ्लोकी की भी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, रिच कॉइन की भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा टोकन है जो अच्छा मूव करता है। उसके साथ हमने देखा है कि रिच कॉइन जो है आए दिन तकरीबन $20-25 का जो है गिव अवे वगैरह है वो करती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रिसेंटली भी इन्होंने की तरफ से ट्वीट किया गया कि भाई जो है लाइक रीट्वीट एंड कमेंट क्विक। जी बिल्कुल, आपको लाइक करना है, रीट्वीट करना है, और तकरीबन आपको जो है तकरीबन $25 का जो गिव अवेगा उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो है आज दिन आपने देखा कि छोटे छोटे से गिव अवे हैं वो करती रहती है। उसके साथ हमने देखा 1 बिलियन कॉइन टू 140 विनर सेलिब्रेट। जी बिल्कुल, उसके बाद तकरीबन 1,40,000 होल्डर की खुशी में इन्होंने तकरीबन 1 बिलियन जो कॉइन्स का जो है किया हुआ है, जिसमें अगर आप भी चाहें तो आप भी लाइक रीट्वीट करके जो अपने दोस्तों को टेक करके आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट का जो गिव अवे है वो रिच कॉइन की तरफ से किया गया है। तो हमने देखा है कि रिच कॉइन गिव अवे के मामले में जो काफ़ी एक्टिव है, और इसकी वजह से हमने देखा है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी आउट परफॉर्मिंग काम कर रही है। और ये ट्विटर पिकर की मदद से जो आपकी रैंडमली ट्वीट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रोजेक्ट विद हाईली बुलिश सेंटीमेंट के साथ जो हमें टॉप के प्रोजेक्ट देखने को मिले, तो उसमें हमने देखा कि बेबी डोज कॉइन को भी रिच कॉइन ने पीछे छोड़ दिया, और वो भी हमें पहले नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बुलिश सेंटीमेंट के साथ देखने को मिला। तो आपको हमसे कि मैं ज़रूर बताएं कि आप रिच कॉइन के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे अभी देखिए छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आएगी, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।